पुरानी पर्वत नष्ट होकर नए उभर सकते हैं। भाग पिघली हुई शिला से बना था, कई जगहों पर पपड़ी फाड़ कर। मैं अभी लोचन में जा रहा हूँ। नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र। स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये एका नवीन व्हिडिओसोबत। तर आज मी तुम्हाला ब्रह्मांडाच्या दुनियेत घेऊन जाणार आहे। हो, तर मुंबई शहरातील बरळी येथे बसलेले तारांगण म्हणजेच नेहरू तारांगण हे आपल्या सर्वांना एका अद्भुत जगामध्ये घेऊन जाते। आकाश प्रदर्शनाचा रोमांचक अनुभव ज्या लोकांना अनुभव घ्यायचा असेल त्यांच्यासाठी नेहरू तारांगण हे एक उत्तम ठिकाण आहे। सो आम्ही ट्रेनने आलो होतो आणि आता त्या तिथे पोहोचलेलो आहोत। तर आतमध्ये आपण कितीचा शो आहे ते पाहूयात, तिकीट काढूयात, नंतर पुढे तुम्ही कंटिन्यू करा। असं सांगितलं जातं सन 1975 मध्ये पी जी पटेल यांनी जर्मनीहून कार्ल झाइसच्या कंपनीचा तारांगणचा प्रोजेक्ट विकत आणला, परंतु त्यावेळी तो प्रोजेक्ट अडकला सीमाशुल्क विभागामध्ये। त्यानंतर रजनीबाई पटेल यांनी तो प्रोजेक्ट सोडला व मुंबईमध्ये वरळ येथील नेहरू इमारतीमध्ये या प्रोजेक्टची स्थापना केली। तर आपण गेटमधून आतमध्ये चाललेला आहोत, थोडंसं चेकिंग वगैरे होतं इकडे। तर हे आहे तारांगण, नेहरू तारांगणाचं इथे शो होतो। तर आपण पहिल्यांदा तिकीट करूयात। फायनली आम्ही नेहरू तारांगण पोहोच गए। तर मंडळी, आमचा 4:30 शो होता, आम्हाला ॲक्च्युली मराठी शो पाहायचा होता, पण इथे इंग्लिश, मराठी आणि हिंदी असे तीन पद्धतीने तुम्हाला शो दाखवला जातो। तर आपल्याला मराठी पाहायचा होता, त्यामुळं तो नाही पाहता आला। तर 4:30 हिंदी शो आहे, सो तो तुमच्याशी मी नक्कीच शेअर करणार आहे। सो खूप छान होणार आहे हा व्हिलॉग, नक्कीच कंटिन्यू करा। तर तोपर्यंत आपण समोर जी बिल्डिंग दिसते, म्युझियम आहे तिकडे, तर तिथे काय काय आहे ते पाहूया तोपर्यंत। मित्रांनो, नेहरू तारांगण म्हणजे गोलाकार थिएटर। या गोलाकार थिएटरमध्ये प्रदर्शनात खुर्च्यांमध्ये निवांत झोपून आकाश प्रदर्शनाचा आनंद घेता येतो। तारांगणात गेल्यानंतर चक्क आकाशातील तारे आणि ग्रह खाली असल्याचं भास होतात। तर आपण म्युझियमच्या इकडे आलेलो आहोत आणि हे एकच आहे तारांगण आणि म्युझियमचं, त्यामुळे तुम्हाला वेगळे शुल्क मोजावे नाही लागणार आहे। तर आतमध्ये आपण पाहूयात अजून काय काय आहे ते। तर मित्रांनो, पहिल्या मजल्यावरती आहे, आपण ग्राउंड फ्लोअरला होतो, आता पहिल्या मजल्यावरती आहे म्युझियमचं, काय काय आहे पाहूया। या ठिकाणी एक गुहा आहे आणि त्यामध्ये प्राचीन काळातली जीवनशैली जी आहे ती दाखवलेली आहे, खूप सुंदर अशी। तर पाहूयात आपण आतमध्ये जाऊन। पहले हम लोग ऐसे गिरे के बन, हाँ फिर उसको पत्थर से हम लोग सब पहले पूरा ऐसे लोग होते थे। अपन आशा तो पहले जो सब स्टैचू हम लोग क्या करते थे, शिकार करते थे ऐसा वो बोले। नेहरू तारांगण येथील आकाश प्रदर्शनाचा अनुभव घेत असताना आपल्याला काही जणांमध्ये नवीन कुतूहल जागे होते, तर काही जणांमध्ये नवीन कल्पना जन्माला येतात। याच ठिकाणाहून काही जण विज्ञान प्रसाराचा वसा देखील घेऊन जातात। तर नक्कीच सुट्टीमध्ये तुम्ही तुमच्या मुलांना घेऊन येऊ शकता आणि त्यांना हे नक्कीच दाखवू शकता, खूप छान आहे पाहण्यासारखं। तर आम्ही सुद्धा शिवला घेऊन आलो होतो आणि त्याला त्याचे पप्पा व्यवस्थित समजून सांगतात की काय कसं होतं ते पहिल्या काळी। मित्रांनो, जरी कृत्रिम पद्धतीने याची रचना केली असली तरी अगदी खरोखर असे दृश्य आपल्या नजरेस पडते। तर तारांगणाचे घुमट इतके मोठे आहे की यामध्ये जवळजवळ 600 व्यक्ती सहजरित्या सामावू शकतात।
तर या ठिकाणी किल्ल्यांचे दाखवलेले आहे प्रतिकृती कशी होती ते पहिल्या काळी. मित्रांनो फायनली आपण तारांगणाच्या इथे आलेलो आहोत. आता शोचा टायमिंग झालेला आहे आणि पाहू शकता किती मोठी लाईन आहे ते. तर तारांगणाच्या प्रवेशद्वारातून आत आल्यानंतर सर्वप्रथम ग्रहमालाची आकृती आपल्या नजरेस पडते. सूर्याभोवती फिरणारे ग्रह आणि त्याभोवती फिरणारे उपग्रह बघत येणारा प्रत्येकजण अंतराळाच्या जगामध्ये नक्कीच प्रवेश घेतो असेच वाटते. त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या ग्रहांवर तुमचे वजन किती असे दाखवणारे वजन काटे पर्यटकांसाठी अधिकच आकर्षण ठरत आहे. कृत्रिम चंद्र ताऱ्यांच्या दर्शन घेत असताना काही जणांना खरोखरचे चंद्र चांदणे व अंतराळ पाहण्याची इच्छा होते व त्यांची हीच इच्छा पूर्ण करण्यासाठी या ठिकाणी दर रविवारी 7 ते 8 दरम्यान विनाशुल्क दुर्बिणीच्या सहाय्याने अंतराळ प्रदर्शन भरवले जाते. तर या ठिकाणी समोर पाहू शकता मंगळावर अशा पद्धतीने आहे तर हे दाखवलेलं आहे इकडे. तर त्या आकाश म्हणजे आपल्याला थिएटरच्या बाजूलाच इथे म्हणजे आपला वर्ल्ड टाईम जो आहे तो कुठल्या देशामध्ये काय टायमिंग चालू आहे आत्ता तर ते दाखवलेलं आहे पूर्णपणे या इकडे. तर उजव्या साईडला पाहू शकता इथं थिएटर आहे तर त्याच्यामध्येच आपल्याला जायचं आहे शो पाहण्यासाठी. सो हिला कंटिन्यू करा. सो आतमध्ये जाण्या अगोदर इथे थोडीशी माहिती दिली जाते तर ती माहिती आपण ऐकूयात आणि नंतर ब्रह्मांडाच्या दुनियेत जाऊया. जिसके बाद हम सभी स्काई थिएटर में चलेंगे जहां कार्यक्रम का दूसरा भाग हमारा स्काई शो 4:50 को शुरू होगा. अब कुछ सूचनाएं हैं जिनका आपको सख्ती से पालन देख रहे हो. ये है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी मिल्की वे गैलेक्सी. हमारे इस आकाश गंगा में कम से कम 400 अरब तारे हैं, 400 बिलियन स्टार्स, यानी 400 के पीछे आप 9 शून्य लगाएं, उतने तारे कम से कम हमारी मंदाकिनी में हैं. उनमें हमारा सूर्य एक बहुत ही छोटा तारा है जो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये चित्र हमने रात के समय हमारी पृथ्वी से लिया है. पर हम यहाँ ये जरूर जान सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में हम कहाँ रहते हैं, हमारा लोकेशन क्या है. तो केंद्र से थोड़े दूर यहाँ इस तारे के पास हमारा सूर्य और सौर मंडल है. इसी कारण इस तारे को कहते हैं मित्र तारा. टेक्निकल नाम है अल्फा सेंटोरी और ये हमसे 4 प्रकाश वर्ष 4 light years की दूरी पर है. तर ती माहिती ऐकून झाल्यानंतर इथे आपण थोडंसं फोटोशूट वगैरे करायला देतात आणि नंतर थिएटरमध्ये मोबाईल अलाउड नाही करत. तरी पण मी थोडंसं काढलेलं आहे, थोडंसं म्हणण्यापेक्षा बऱ्यापैकी काढलेलं आहे. सो खूप छान आहे, नक्कीच पहा. तर आपण आता जात आहोत आतमध्ये आणि कशा पद्धतीने आपण पाहणार आहोत ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर हे पाहू शकता खुर्च्या असं आणि आपण मस्त पाठीवर झोपून आपण हा शो पाहू शकतो. तर हे पूर्ण असं आकाशगंगा आहे पाहू शकता, आकाशगंगेसारखं बनवलेलं आहे खूप छान असं. तर मी आता माझा आवाज बंद करते आणि हा आवाज पहिली बार आसमान की ओर देखा. रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया. उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा होता. कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था. गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया.
क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती। गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट। दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। बात कैसे हुई इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अर्श पहले लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से माल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहां वहां घने गुच्छों में बिखर गए। इनमें से कुछ आकाशगंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की हैं, जो आकाशगंगाओं के टकराव का परिणाम है। पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लोह जैसे मूल तत्वों की निर्मिति की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकार मान में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4,000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। जो अनगिनत तारों से बनी है वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व के अनगिनत आकाश का 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। सूरज मध्यम आयु का तारा है। उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेब्यूला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो, 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है, जहां वो इतना दूर भी नहीं है जहां में पृथ्वी काफी तप्त थी। वहां यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शिला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़ कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें अरण्य स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद
पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3,000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5,000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5,000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। हम बस इतना ही जानते हैं कि मानव का मन और व्यक्तित्व अद्वितीय है और वो इस विश्व को प्राप्त हुई सबसे उच्चतम चीजें हैं। यानी कि विश्व हमारे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो भी हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, हम उसमें स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। हम इस असाधारण पैमाने के विश्व के छोटे से भागीदार हैं। बड़ी अजीब बात है कि इस विश्व ने हमें हिस्सेदार बनाया है। आने वाली सदियों में पृथ्वी का ऋतुमान काफी मात्रा में बदलने की संभावना है। जो महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दिन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इस टकराव में पुराने पर्वत नष्ट होकर नए उभर सकते हैं। डायनासोर्स के समय जैसा हुआ था, वैसे ही एक बड़ी ग्रहिका पृथ्वी। कुछ नजदीकी तारों का नाश होगा तो कुछ नए तारे जन्म ले सकते हैं। तेज हो रही है। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्वात दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणारे व आकर्षणाचे ठिकाण वसलेले नेहरू तारांगण हे पर्यटकांसाठी अतिशय आकर्षण ठिकाण बनत चालले आहे। तर भूगोल मंडळाचा आणि अवकाशाचा अभ्यास करणाऱ्या व निरीक्षण करणाऱ्या लोकांसाठी एक उत्तम ठिकाण आहे। सो आता शो संपलेला आहे आणि आपण चाललेलो आहोत। तर या ठिकाणी कसं यायचं, त्यासाठी तिकीट किती मोजावं लागेल, तुम्हाला कुठला शो कुठल्या टायमाला असतो ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळी माहिती देईल। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका छानसे व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।